वेलकम टू ट्रैकर टेक एसी। मैं हूं अजय सिंह चावड़ा और आज फिर लेके आया आपके लिए बहुत ही शानदार सा एक वीडियो। आप देख चुके होंगे थंबनेल में कि हम किस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आ चुका हूं मैं इंदौर शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे, द ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी टावर चौराहे पे स्थित है ये स्टोर। हमारे साथ है मिस्टर शेर सिंह जी। यस सो ये आपको बताएं कि आज बॉटम माउंटेड फ्रिज जो नया लॉन्च हुआ है हायर का, HRB 4952 CIS BIS हाँ BIS BIS यानी BIS मॉडल है ये। फोर इसमें नाइन फाइव टू आईफोन BIS मॉडल आया जो बॉटम माउंटेड फ्रिज है, जो अपने आप में सबसे बेस्ट फ्रिज है। तो प्लीज शेर सिंह जी, आपका बहुत यस बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। यस आप प्लीज बताइए कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं एडिशनल। हाँ ठीक है सर। इसमें क्या है, ये बॉटम माउंटेड फ्रिज है, जैसे कि जी अभी आप अभी तक आप जैसे यूज भी कर रहे होंगे या बहुत के यहाँ पर, जैसे जो अपर फ्रीजर वाले जो चलते हैं हाँ मॉडल जी हाँ जिसमें ऊपर फ्रीजर रहता है, लेकिन यहाँ पर पूरा हायर कंपनी ने डिफरेंट फ्रिज बनाया है। हाँ मतलब जैसे सीनियर सिटीजन के लिए, मतलब जैसे कि जो अभी ऊपर फ्रीजर जब नीचे जैसे जो वेजिटेबल जी बॉक्स जी रहता है तो उसमें क्या झुकने में बार बार प्रॉब्लम आती एक बार है थोड़ा ना, सा आगे प्रॉपर बता तरीके से दीजिए। झुक नहीं पाते हैं, ओके हाँ है ना। तो इसमें क्या खड़े खड़े ऑपरेट कर सकते हैं वेजिटेबल के लिए, कभी आपको झुकना नहीं पड़ेगा। एंड इसमें बिग ट्रे रहेगा यहाँ पर आपका वेजिटेबल बॉक्स। इसके अलावा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, यहाँ पर आपका फ्रूट ट्रे भी दिया हुआ है, ओके ये हाँ भी काफी अच्छा जम्बो साइज दिया हुआ है। बाकी इसका जो फाइबर है ABS बॉडी है, काफी हेवी फाइबर आएगा, मतलब अनब्रेकेबल रहेगा। ओके एंड इसमें जो डेप्थ है, एंड इसके जो सेल्फ 1 2 3 सेल्फ जी दिया जी हुआ है, एंड फुल टफन गिलास के साथ में दिया हुआ है। ओके इसके अलावा आपको लग रहा है कि इसका यूज नहीं है फोर्स के लिए, तो इसको आप बाहर भी निकाल सकते हो, तो क्या आपका बात एक और है। सेल्फ बढ़ गया ओके है। ठीक सो है फ्रेंड्स, इस फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत जो हमारे घर में सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन लोग होते हैं, मतलब जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, या घर में फीमेल्स भी हैं जिनको दिक्कत होती है कभी बैंड होने में, तो उन लोगों के लिए फ्रिज सबसे बेस्ट है। ये हायर ने ध्यान में रखे, बॉटम माउंटेड में हायर वैसे भी नंबर वन ब्रांड है पूरी दुनिया में, बॉटम माउंटेड फ्रिज के लिए जाना जाता है। तो इस फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी स्पेशलिटी, मतलब इसमें एक तो बहुत स्पेशल स्पेस मिल रही है आपको, फ्रूट बॉक्स अलग से मिल रहा है, वेजिटेबल बॉक्स अलग से मिल रहा है, स्लाइडर्स बहुत अच्छे हैं इसके अंदर, बहुत इजीली स्लाइड होता है, प्लस इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्फ ज्यादा मिल रहे हैं आपको, चौड़ाई एंड डेप्थ बहुत अच्छा है फ्रिज का, ताकि आपके घर में कभी पार्टी है और आप अगर बड़े पार्टी में कुछ, यानी आप जैसे हम लोग ज्यादा सामान रखते हैं या बड़े भगोने में हम कुछ सामान रखना चाहते हैं, तो इजिली आप इसके अंदर कैरी कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर ये पहला फ्रीजर है जो इतना सिस्टमेटिकली अपडेट है, नहीं तो नॉर्मल आप जितने भी फ्रीजर देखते हैं डबल डोर के, उसमें यानी रेफ्रिजरेटर के नीचे कभी भी फ्रीजर में आपको कभी भी शेल्फ नहीं होते ऐसे, जिसके अंदर आपको फ्रीजर में भी वैसे ही शेल्फ मिल रहा है जैसे आपको, यानी आपका नॉर्मली आपका यानी वेजिटेबल बॉक्स और फ्रूट बॉक्स मिलता है आपका रेफ्रिजरेटर सेक्शन में, वैसे फ्रीजर में आपको मिल रहा है। इसमें आप आइसक्रीम रख सकते हैं इजली, अब इसके अंदर आपका फ्रोजन आइटम्स इजली रख सकते हैं घर में, आपके घर में आप दालें पल्सेस रखना चाहते हैं, या आप यानी रवा या इडली मिक्स या जो भी हम यानी अदर यानी हम मिक्सेस जो आइटम आते हैं जो रेडी टू ईट होते हैं, वो आप इसके अंदर स्टोर करके इजली रख सकते हैं। इसके लिए सेपरेट आपको इसमें इन्होंने अलग से चिलर दिया हुआ है, जिसमें आप यानी क्यूब्स आइस क्यूब जमा सकते हैं, ये बहुत ही बेनिफिट है इसके अंदर, बहुत इजली टू मूव यानी आपका निकल जाता है, ये बहुत इजली आप निकाल सकते हैं, यही बेनिफिट मिल रहा है इसका। एक और सबसे अच्छी बात मुझे इस फ्रिज की लगी कि इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्फ यहाँ बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग यानी मसाले के बॉक्सेस या आप कोई जार रखना चाहते हैं या जैम के बॉक्स तो वो रख सकते हैं, एग के लिए अलग से ट्रे दी हुई है, सॉसेस के लिए अलग से दिया हुआ है, दूध की बॉटल्स या एनी अदर कुछ रखना है तो रख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल रखना है आपको तो वो रख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल्क के सैशे या दवाई की बॉटलें या आपको छोटे मोटे यानी मसाले के पैकेट्स तो इजिली आप इसके अंदर कैरी कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार से हमें जो एक फ्रिज में नीड होती है वो सारी चीज इसके अंदर मिल रही है। प्लीज शेर सिंह जी और बताइए इसकी क्या स्पेशलिटी इस फ्रिज की। ठीक है, जैसे तो ये है कि अभी जैसे ये नीचे आपका जो ये फ्रीजर है ना टोटल, जी ये आपका ऊपर ये आपका नॉर्मल रेफ है, लेकिन ये जो फ्रिज है ये क्या 14 in 1 BMR फ्रिज है, मतलब ये आपका 14 तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो क्या आप। बात करें हाँ बिल्कुल फ्रेंड्स, मतलब ये 14 in 1 कन्वर्टेबल, मैंने आज तक कन्वर्टेबल में 5 in 1 सुना है, 3 in 1 सुना है, 7 in 1 सुना है, 8 in 1 तक भी सुना है, लेकिन ये 14 in 1 है, मतलब ये न्यू टेक्नोलॉजी का मॉडल आया है अभी आयर का जिसमें 14 in 1 कन्वर्टेबल आ रहा यस है। यस क्या बात है, मतलब यानी थोड़ा सा बता पाएंगे थोड़ा क्या सा क्या, क्या मोड्स आपको आते हैं इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है, जो मेन मेन मोड्स हैं वो मैं मेन आपको मोड बता बता देता दीजिए हूँ। प्लीज। इसमें स्टार्टिंग जैसे कि आपका ये जो फ्रीजर है, तो फ्रीजर का यूज यदि नहीं होता, जैसे विंटर के टाइम में तो अपने इधर क्या है इंडियन पैमाने पे इतना फ्रीजर का हाँ यूज होता नहीं है, जी जी जिसको आप बिल्कुल नॉर्मल वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अच्छा वेजिटेबल में, ओके ओके नॉर्मल वेजिटेबल में 100% कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा ये 100% कन्वर्ट हो बिल्कुल सकता है, हाँ, इसका ओके भी टेम्परेचर जो है +1 से +5 तक रहेगा। ओके ओके मतलब इसमें भी आप जैसे फल फ्रूट रखना हो, हाँ आपको सब्जी रखना हो, XYZ कुछ भी रखना हो, जैसे जो ऊपर वाला है ऐसा नीचे भी बन जाएगा। सो फ्रेंड्स इसके अंदर आपको मतलब ये नीचे वाला फ्रीजर भी आप इसको फ्रिज में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल बेनिफिट बता रहे हैं शेर सिंह जी, और बताइए सर। इसके अलावा इसमें जो दिया हुआ है आपका एक ये होलीडे होलीडे मोड दिया हुआ है, ओके ऑटो सेट होलीडे मोड दिया हुआ है ये देखिए थ्री मोड है सेकंड इसमें, तक एक तो इन्वर्टर है,
ये ड्यूल फैन टेक्नोलॉजी वाले मॉडल है, ये ड्यूल फैन, ओके ड्यूल फैन टेक्नोलॉजी। फ्रिज दिया है, फ्रीजर 3 सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रीजर में, ऑटो सेट। इसमें जैसे ये जो फ्रिज का टेम्परेचर है, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है फ्रिज का टेम्परेचर आप माइनस प्लस कर सकते हैं, ओके ठीक है। इसके अलावा ये फ्रीजर का टेम्परेचर है, ओके ये फ्रीजर का टेम्परेचर नीचे वाला भी एडजस्ट कर सकते हैं। जब इसको आपको कन्वर्ट करना हो तो ये 3 सेकंड तक यहाँ पर दबा के रखना पड़ेगा, पुश करके रखना पड़ेगा, तो ये आपका 49 मिनट्स के अंदर कन्वर्ट भी हो जाएगा। क्या 49 मिनट्स में ओनली कन्वर्ट हो जाता है फ्रेंड्स? मतलब अगर आप इस कन्वर्टेबल फ्रिज को कन्वर्ट करना चाहते हैं, फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ओनली 49 मिनट्स के अंदर ही आपका फ्रिज में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आप इसके अंदर स्टोरेज फ्रिज जैसा आइटम नीचे रख सकते हैं, चाहे सब्जी रखना हो आपको या कोई भी आइटम रखना हो इसलिए रख सकते हैं। वाह बहुत ही शानदार चीज। इसके अलावा इसमें जो दिया हुआ है ऑटो सेट होलीडे मोड, मतलब आपको कहीं घर से बाहर जाना हो है ना, तो आपको फ्रिज क्या कि मतलब यदि आप जिस टेम्परेचर पे आप चला रहे हो तो उस टेम्परेचर पे तो छोड़ नहीं सकते हैं जी। तो जैसे आप यदि हॉलीडे मोड का ये बटन प्रेस करेंगे तो इसका टेम्परेचर ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा, फ्रिज का टेम्परेचर आपका प्लस 5 में आ जाएगा, जो कि आप यूज कर रहे थे 8 या 9 में यूज कर रहे थे, तो यहाँ पर आपका पावर सेविंग रखेगा जी बिल्कुल। एंड ये जो फ्रीजर का टेम्परेचर है ये भी आपका -18 तक हो जाएगा। क्या बात है, बिल्कुल मतलब इसमें, और यानी ये हॉलीडे में मतलब अपने आप यानी सेट कर लेता है, तो इसमें क्या रेफ्रिजरेटर बंद हो जाता है? इसमें क्या कि कूलिंग हल्का सा कूलिंग करेगा, अच्छा हल्का सा कूलिंग करेगा ताकि पावर सेव करेगा, और नीचे मेन फ्रीजर चलता रहेगा। फ्रिज मतलब हॉलीडे मतलब वही कि हमारा फ्रिज नहीं चलना चाहिए, नॉमिनल वे में चलता रहे, कोई फ्रिज पूरा बंद कर दो तो उसमें स्मेल आने लगती है। तो फ्रेंड्स ये सबसे अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर, कि हम जब घर से बाहर जाते हैं कहीं घूमने के लिए पिकनिक वेकेशन पे, तो हमारा 10 डेज का टूर है या 15 डेज का टूर है, तो हम उस कंडीशन में फ्रिज बंद कर जाते हैं। तो पुराने फ्रिजेस में ये दिक्कत आती थी कि जब हम आके जब उसको यानी ओपन करते थे तो गंदी से स्मेल आती थी और वो प्रोडक्ट्स में हमारे स्मेल चली जाती थी, तो वो इस फ्रिज में नहीं होता। इसमें आप वेकेशन मोड पे, इसको हॉलीडे मोड पे ऑन करके जाइए, बहुत ना के बराबर एनर्जी कंजम्पशन में आपका फ्रिज चलेगा, और आपका फ्रिज जैसे आप आएंगे वैसे का वैसे ही रहेगा जैसे आप छोड़ के गए थे। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। इसके अलावा सबसे बड़ा इसका ये वाला टर्बो आइस वाला जो मोड दिया हुआ है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। टर्बो आइस में ऐसा होगा कि जैसे जो फ्रीजर का टेम्परेचर होता है जी, जैसे एक्स वाई जेड कोई सा भी आप ब्रांड लेंगे, तो जो फ्रीजर का टेम्परेचर होता है -1 से 24 तक ही होता है। हाँ। एक बस ये -24 लास्ट होता है। ओके। लेकिन यदि जैसे आप कहीं शॉप पर जाते हैं आइसक्रीम जो खाते हैं अपन, तो आइसक्रीम में जैसे कि जो धुआं निकलता है थोड़ा सा हार्ड बन होना चाहिए, तो यदि अपन हायर के भी जैसे कि जो अपर फ्रीजर वाले की अपन बात करें तो उसका टेम्परेचर भी -24 जाता है, तो इतना बेहतर नहीं हो पाएगा आइसक्रीम। लेकिन इसका टेम्परेचर -28 तक भी लिया सकते हो। क्या बात है। हाँ। मतलब नॉर्मली जो भी ब्रांड्स के फ्रिज आ रहे हैं, हाँ, उन समय -24 तक जाता है, लास्ट रहता है। ओके फ्रेंड्स, मतलब अभी तक आपने जितने भी फ्रिजेस देखे होंगे या आपके घर में अभी आपने राइट नाउ कोई परचेज करा हो या पहले कोई लिया होगा, तो उसमें ये होता था कि हमेशा मेरे घर थी, मतलब यानी ये कि अगर कोई सामान ऑलरेडी फ्रीजर में रखा हुआ है तो मैं आइसक्रीम रखता हूँ, तो आइसक्रीम इतना हार्ड नहीं हो पाती जैसे हमको फ्रिज आने मार्केट में हम लोग खाते हैं, इसलिए हम लोगों को मार्केट की आइसक्रीम ज्यादा पसंद होती है। फिर हम सोचते हैं हम घर पे ले आए तो हमें वैसा टेस्ट नहीं आ रहा, लेकिन इस फ्रिज में वैसा नहीं है क्योंकि ये -28 डिग्री तक जा सकता है। तो आपने जो एक्सपीरियंस डीप फ्रीजर में लिया है आइसक्रीम का, वही सेम आपको -28 आप प्लीज देखिए, ये आपका ये इधर टर्बो आइस का जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर फ्रीजर का जो टेम्परेचर है -28 है। ओके -28 ये 28 में चले गया मतलब। ओके ये एकदम तो थोड़ी देर से आपका जो डी फ्रिज का जो काम करता है तो वही काम करेगा। ओके सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये फ्रिज वो लोग भी ले सकते हैं जिनके घर में शॉप पे मतलब उनको छोटा मोटा काम है, ज्यादा आइटम नहीं रखने, फ्रोजन आइटम रखते हैं या कुछ सेल करते हैं या आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं, तो भी मेरे हिसाब से शायद ये फ्रिज भी वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये डी फ्रीजर मोड में चले जाता है -28 डिग्री में। बाकी मैं सजेशन नहीं दे रहा हूँ, आप डीप फ्रीजर का काम करता है और फ्रीज मतलब फ्रीज सेक्शन में काम करता है, ये नॉर्मली होम पर्पस है, कमर्शियल पर्पस से नहीं है फ्रीज। इसके अलावा और वो सारे इससे मोड से एक और इसमें बताना चाहता हूँ, जैसे कर्ड मेस्ट्रो मोड भी रहता है। कर्ड मेस्ट्रो मोड जैसे जो अभी जो फ्रीजर में जैसे आप यदि दही वगैरह रखते जी हैं जी, तो उसका जो एक टेम्परेचर होता है मतलब +2 से +4 होना चाहिए, तो यहाँ पर आप +2 से +4 भी कर सकते हो। क्या कर्ड मेस्ट्रो, तो उसमें आपका कर्ड जम जाता है बिल्कुल, उसमें क्या कि सही टेम्परेचर पे यदि लगे मतलब यदि रखेंगे तो उसका जो बेनिफिट है स्वाद है उसका उसी टाइप ओके वैसे ही रहेगा। तो फ्रेंड्स इसके अंदर अगर आप कर्ड भी रखते हैं तो कर्ड का टेस्ट चेंज नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर कर्ड मेस्ट्रो वाला फीचर दिया हुआ है, आप उसको टेम्परेचर को वैसा सेट रखेंगे तो फ्रिज वैसा टेम्परेचर कर देगा जिसमें आपके दही का जो टेस्ट है वो चेंज नहीं होगा। जैसे कभी कभार हमारा ये होता है कि दही में कभी खटास ज्यादा हो जाती है या एकदम फीकापन आता है, तो वो चीज नहीं होगी, एकदम जो एग्जैक्ट टेस्ट जैसा आ रहा है वैसे एज इट इज हमेशा आपको मिलेगा। एंड इसके अलावा प्लीज बताइए इसमें क्या वारंटीज और क्या एडिशनल बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा इसमें ये जो दिया हुआ है 1 और आइस टेक्नोलॉजी,
Okay. ये आपने नाम पहली बार सुना होगा कि एक घंटे के अंदर आइस कौन सा फ्रिज बना के देता है। मैंने तो नहीं सुना कभी। LG Samsung Whirlpool में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं यदि आपने वाटर रखा होगा तो, इतना टाइम लगता ही लगता है, लेकिन यहाँ पर आपका एक घंटे के अंदर ही आपको बर्फ जमा के देगा। अच्छा। क्योंकि एक घंटे के अंदर जब जैसे आप इसको टर्बो आइस पे मोड पे करेंगे तो इसमें क्या है 200% फास्टर कूलिंग करने लगेगा फ्रीजर के अंदर। क्या बात है। 200+ इसमें आपका जो है फास्टर कूलिंग करेगा तभी जाके एक घंटे के अंदर। फ्रेंड्स इस फ्रिज में एक और खासियत है कि आपको एक घंटे के अंदर कभी क्विक आइस जमाना है, कभी आपके घर में कोई पार्टी है या आपको अर्जेंसी लगता है और आप कोई बाय चांस भूल गए बर्फ जमाना, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंपनी लिख के दे रही है कि एक घंटे के अंदर आप आइस जमा सकते हैं। मतलब इस मोड को ऑन करेंगे तो ये जो फ्रिज नॉर्मल मोड में फ्रीजर चल रहा था उसे दोगुनी तेजी से ये फ्रीजर काम करेगा और आपका तेजी से आइस जमा देगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। हाँ, बिल्कुल इसका ये बेनिफिट है। आपको जैसे सर ने दिखाया था झुकना मत 90% थोड़ा सा आगे लेके आइए प्लीज, बताइए कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। जो अंदर जो फैन मोटर लगे हैं, कंप्रेसर लगा है, तीनों इन्वर्टर बेस्ड पे बना हुआ है। ठीक है, मतलब इसमें फ्रेंड्स देखिए आपने अभी आपको हमने बताया कि इसकी स्टार रेटिंग देखिए 2 स्टार रेटिंग के बावजूद भी जो एक सिंगल डोर बड़ा फ्रिज आपका बिजली कंजम्पशन कंज्यूम करता है वही इतना बड़ा 445 लीटर का फ्रिज आपका कंज्यूम कर रहा है। अभी की डेट में 445 लीटर का फ्रिज मतलब पुरानी लास्ट ईयर का ये 500 लीटर के कैपेसिटी का अप्रोक्स हो गया है। इसमें आपको मैजिक कन्वर्टेबल मिल रहा है जो कि 14-in-1 है, प्लस इसके अंदर ट्रिपल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिल रही है एंड ड्यूल फैन टेक्नोलॉजी। ड्यूल फैन टेक्नोलॉजी जैसे मैंने पूछा था पहले भी शेर सिंह जी से, उन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ पे ड्यूल फैन आता है, मतलब फ्रीजर के लिए अलग फैन होता है और फ्रिज के लिए अलग फैन होता है, वही टेक्नोलॉजी ये अंदर ही लगा हुआ है। इसमें भी इसकी कंप्लीट वारंटी 10 ईयर्स की मिलती है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि 10 साल की आपको यानी कंप्रेसर की पूरे फ्रिज की वारंटी मिल रही है, प्लस 2 ईयर्स पूरे कंप्लीट फ्रिज की वारंटी है और 10 साल फैन मोटर की वारंटी है, जो कोई भी ब्रांड आपको अभी नहीं दे रहा है इंडिया में राइट नो, जितने भी ब्रांड एस्टेब्लिश हैं, आई थिंक सो मेरे नॉलेज के हिसाब से नहीं अभी तक जितने भी मैंने रिव्यू करे हैं, तो हायर ये सारी बेनिफिट्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत ही प्यारे फीचर्स हैं। इसके अलावा और कुछ सर बताएंगे? हाँ, इसके अलावा आपका जो है कनेक्ट होम इन्वर्टर, ये भी बहुत बढ़िया बेनिफिट है। मतलब इसका जो पावर कंजप्शन काफी कम है, इसका जो कंप्रेसर जो बनाया है कंपनी ने वो इन्वर्टर बेस्ड बनाया है, एंड यदि आपके घर पे इन्वर्टर यदि लाइट वगैरह जाती है तो ये इन्वर्टर पे भी चल जाएगा आपका फ्रिज। सो फ्रेंड्स यानी ये इतना बड़ा फ्रिज मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन्वर्टर पे भी रन कर सकता है, तो कंपनी लिख के दे रही है कि कनेक्ट होम इन्वर्टर। मतलब एक सीधी सी बात है कि अगर आपके घर में आप ऐसा इन्वर्टर लगाए जिसमें आप अपना टीवी या फैंस चला लेते हैं इकट्ठे, तो उसमें आपका ये फ्रिज रन कर सकता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब मेरे ख्याल से ये फ्रिज जो परचेस करेगा उसको मेरे ख्याल से और कोई लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर फुल्ली आपको फीचर्स मिल रहे हैं आधुनिक जो आज की डेट में होना चाहिए, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मिल रहा है। कंपनी बड़े बड़े अक्षर में हर चीज मेंशन कर रही है। इसका कैपेसिटी मुझे बहुत शानदार लगा। अप्रोक्स इसका प्राइस क्या है सर? इसका वैसे सर प्राइस 50-52 के अप्रोक्स जाता है, लेकिन अभी फेस्टिवल समय में क्रेडिट कार्ड पर भी काफी अच्छे डिस्काउंट आते हैं, जैसे अभी भी आपका अप टू लिखा हुआ है यहाँ पर अप टू 20% डिस्काउंट, तो ये फेस्टिवल समय में रहता है। okay. ये फ्रिज आपको 40 के अंदर भी आया है मेरे पास में। अच्छा, और अभी याने, अच्छा अभी भी इसमें 10-12% का डिस्काउंट चल रहा है। ओके तो फ्रेंड्स दिवाली टाइम पे ये फ्रिज आया था, उस टाइम पे बहुत ही अच्छे ऑफर 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहे थे, जो की बता रहे हैं सर की 40,000 एंड बिलो में आफ्टर क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट के बाद मिल रहे थे। राइट नाउ अभी बहुत अच्छे ऑफर्स है, क्रिसमस पे और न्यू ईयर की सेलिंग अभी ग्रेट ईस्टर्न पे चली रही है। ग्रेट ईस्टर्न पे हमेशा आप आएंगे जब भी ऑफर्स हमेशा 12 महीने कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। इनका प्राइसिंग बहुत अच्छा मिलता है ग्रेट ईस्टर्न पे, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपको ग्रेट ईस्टर्न का। और यहाँ पे अभी भी ऑफर चल रहे 10-12% तक स्पेशल डिस्काउंट चल ही रहा है इन फ्रिज पे, तो वो एक बेनिफिट है। तो अगर आपको कोई प्लान है इस फ्रिज के लिए या कोई भी फ्रिज आपको ग्रेट ईस्टर्न पे लेना है, तो आप प्लीज आइए ग्रेट ईस्टर्न टावर स्क्वायर ब्रांच पे। ऑल इंडिया ग्रेट ईस्टर्न की बहुत सारी ब्रांचेस है, लेकिन इंदौर में अभी मैं खड़ा हूँ, इंदौर शहर में अगर जो लोग हैं जो देख रहे हैं तो वो प्लीज आ सकते हैं। बाकी अगर कोई ऑल इंडिया में दूसरी जगह पे भी है जहाँ ग्रेट ईस्टर्न स्टोर है, तो आप वहां भी जाके ऑफर का लाभ ले सकते हैं। सो और कुछ यानी सर इसके अलावा या कंप्लीट आपने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है मुझे? कंप्लीट। सो ओवरऑल फ्रेंड्स यानी सर ने हमें पूरी तरह से यानी सेटिस्फाई किया है इस प्रोडक्ट के लिए, मैं खुद सेटिस्फाई हो चुका हूँ। यानी सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है जो एक प्रोडक्ट की हमें जानकारी चाहिए होती है एक वीडियो में। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ आगे बने रहिएगा। हम आगे और भी बहुत ऐसे प्रोडक्ट लेके आएंगे जो अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। सो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।